हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, आपके चरणों में आते हैं, आपके कदमों में आते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति कीजिए, क्योंकि वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी परमेश्वर है, जिसने हमें पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, क्योंकि उसने हमारे प्राणों को मृत्यु से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसके उपकारों के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। मेरे प्रियो, आप किसी बात से चिंता ना करें, आप किसी बात से ना डरे, क्योंकि हमें बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ है, हमें सुरक्षित रखने के लिए यहोवा हमारे साथ है, हमें बीमार से बचाने के लिए यहोवा हमारे साथ है, तकलीफों से बचाने के लिए, शैतान की शक्तियों से बचाने के लिए यीशु मसीह हमारे साथ है, परमेश्वर पिता हमारे साथ है। इसलिए हमें किसी बात से नहीं डरना है, किसी बात से चिंता नहीं करना है। मेरे प्रियो, किसी को रथों और किसी को घोड़ों के ऊपर भरोसा है, लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ यहोवा ही का नाम लेंगे, यहोवा ही का नाम लेंगे, क्योंकि यहोवा हमें बचाएगा हर शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान की योजनाओं से वो बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, इसलिए मेरे प्रभु के चरणों में आइए, प्रभु के निकट आइए, प्रभु के पास आनंद की भरपूरी है। प्रभु हमारे सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, हमारे रक्षा करने वाला परमेश्वर है, वो हमारा ऊंचा स्थान है, वो हमारा गढ़ है, वो हमारी ढाल है। इसलिए आप किसी बात से ना डरे, किसी बीमारी से ना डरे, चिंताओं से ना डरे, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। उसने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, संकटों से बचाऊंगा, शैतान की शक्तियों से बचाऊंगा, उसका वचन है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको बीमारी से, अंधकार की शक्तियों से, शैतान की शक्तियों से परमेश्वर बचाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। इस समय के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, और जितने भी पिता परमेश्वर इस समय में प्रार्थना करे प्रभु, हर एक प्रार्थनाओं को, हर एक लोगों को, हर एक माताओं बहनों को, बच्चों और बुजुर्गों को, सबको मित्रे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं। अनुग्रह कर, दया कर परमेश्वर, जिस स्थान से वो प्रार्थना करे प्रभु, उस स्थान को पवित्र आत्मा से भर दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए, अपनी सामर्थ से भर दीजिए, तो चंगाई और छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम से शैतान की योजनाएं फेल होने पाए। प्रभु दया कीजिए, प्रभु दया कीजिए, प्रभु रहम कीजिए, प्रभु अभिषेक से भर दीजिए अपने लोगों को पिता परमेश्वर, महामारी से बचा, अंधकार की शक्तियों से बचा, कोरोना से बचा प्रभु, तेरे लोगों को बचा ले, तेरे लोगों को बचा ले, तेरे लोगों को बचा ले यीशु। ओ रब शंदर ददन लर बब बब बरिश कन लरथ रिखन लरथ न लरद बब बब बरिश कन लरथ न लरब, प्रभु तू बचा ले तेरे लोगों को पिता परमेश्वर, तू बचा ले पिता परमेश्वर, तू छू पिता परमेश्वर। कई लोग हैं जो अपने बेड से उठ नहीं पा रहे परमेश्वर, कई सालों से बीमार हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन आज तू ने बचाएगा, आज तू उन्हें उठाकर खड़ा करेगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं,
पिता परमेश्वर, जिसको कैंसर है, शुगर की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, लकवे की बीमारी है, किडनी स्टोन है, ब्रेन ट्यूमर है, प्रभु नाना प्रकार की बीमारी है, उनके हड्डे नस नस काम करने वाले बंद छा, यीशु नाम में मुर्दे जलाए जाते हैं, यीशु नाम में लंगड़े चलते हैं, यीशु के नाम में बहरे सुनते हैं। हालेलुया, प्रभु तूने उठाकर खड़ा कीजिए, प्रभु उठाकर खड़ा कीजिए और चंगाई दीजिए, अपने अभिषेक से भर दीजिए। हाँ खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा है, प्रभु आपको हर प्रकार की मुसीबतों से बचाएगा, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा, क्योंकि वो बचाने के लिए आपके साथ है, अंधकार की शक्तियों से बचाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए, परमेश्वर के नाम की स्तुति कीजिए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता परमेश्वर पिता, जिनका परिवार टूट रहा है, प्रभु दया कीजिए, परिवार को टूटने से, बिखरने से बचा ले प्रभु। पिता परमेश्वर, जो पति पत्नी अपने पति को छोड़कर, अपने पत्नी को छोड़कर, पिता परमेश्वर वे विचार में फंसे हैं, पाप की दुनिया में फंसे हैं प्रभु, पिता परमेश्वर के जीवन को बदल दे। पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बन जाए, एक दूसरे को धोखा देने वाले ना बने, उनके बीच में से हर प्रकार का पाप, उनके बीच में से हर प्रकार का व्यभिचार, उनके बीच में से हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए। और पिता परमेश्वर, पति पत्नी एक साथ रहे और पिता परमेश्वर आपकी महिमा उनके द्वारा होने पाए, टूटते हुए परिवार को, बिखरते हुए परिवार को बचा ले। पिता परमेश्वर, सूखी भूमि पर जल की धाराएं बहा, पिता परमेश्वर खंडरों को भर दीजिए, हरा भरा कर दीजिए। खुदा यीशु के नाम से हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, जिनके पास कोई औलाद नहीं है प्रभु, दया कीजिए, रहम कीजिए। कई सालों से पिता परमेश्वर प्रार्थना कर रहे प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर अभी तक उनके पास कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज विश्वास के साथ प्रार्थना करता हूँ खुदा, उनके वंश उत्पन्न हो प्रभु यीशु के नाम से, उनके बीच में से, उनके शरीरों में से हर प्रकार का गुप्त रोग खत्म हो जाए। प्रभु दया कीजिए, दया कीजिए, जिस प्रकार तूने हन्ना को दिया, मेरे प्रिय परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए। वचन में साफ लिखा, हन्ना ने गिड़गिड़ाया, प्रभु से प्रार्थना किया बिलख बिलख कर। हाँ मेरे प्रिय, आज प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको वंश देने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके पास कोई जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं प्रभु, बेरोजगार घूम रहे कई लोग, कई जवान परमेश्वर, उनके लिए तू जॉब का, बिजनेस का प्रबंध कीजिए प्रभु। पिता परमेश्वर दया कीजिए, उनके जीवन में से बेरोजगारी, उनके जीवन में से हर प्रकार का कर्जा खत्म हो जाए। प्रभु दया कर, रहम कर। पिता परमेश्वर, कई ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर दया कर, रहम कर। पिता परमेश्वर रहम कर खुदा, और पिता परमेश्वर जितने भी पिता परमेश्वर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं प्रभु, पिता परमेश्वर उनके बिजनेस रुका हुआ है, जॉब रुका हुआ है परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर, पिता परमेश्वर जितने भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जितने भी पिता परमेश्वर कंपनियों में काम करते हैं प्रभु, उनका परमिशन होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, दया कीजिए, रहम कीजिए, उनका प्रमोशन हो जाए प्रभु। परमेश्वर तेरी ओर से है, ऊंचा पद तेरी ओर से है परमेश्वर, तूने ऊंचे पद पर नियुक्त करेगा,
क्योंकि तेरा वचन कहता है संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले और याकूब का परमेश्वर तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। हाँ खुदा, जितने भी तेरे लोग हैं प्रभु उन्हें प्रमोशन दीजिए खुदा, ऊंचा पद दीजिए, ऊंचा स्थान नियुक्त कीजिए खुदा। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की बड़ाई करते खुदा। मेरे प्रियो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, आपको परमेश्वर ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। परमेश्वर आपको हर प्रकार की बीमारी से बचाएगा। परमेश्वर आपको बचाने के लिए आपके संग है, आपके साथ है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रभु के ऊपर भरोसा कीजिए मेरे प्रियो। बाबा बरश क नलरत रिख नलरत नलरद बाबा नलरब मेरे खुदा आपका धन्यवाद, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया मेरे खुदा। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता जो अनाथ और विधवाएं हैं खुदा, अनाथ और विधवाओं का स्वामी तू है पिता परमेश्वर, बेसहारों का सहारा तू है प्रभु। तू दया कर प्रभु, रहम कर, उनके आंखों में से सब आंसू पोंछ दीजिए पिता परमेश्वर। हम इतना विश्वास करते हैं उन्हें हर तकलीफ से हर मुसीबत से बचाने के लिए उनके साथ है, तूने ऊंचे स्थान पर नियुक्त कर, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए खुदा। प्रभु दया कीजिए, प्रभु रहम कीजिए पिता परमेश्वर, तू दया कर पिता परमेश्वर। से लोग के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, जो धोखे से भूमि को हड़पा है, कब्जा किया है, धोखे से पैसों को लिया है, वो वापिस नहीं लौटा रहे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके पैसे और भूमि वापिस मिल जाए प्रभु। दया कर परमेश्वर, जिनका कोई सहायक नहीं है तू उनका सहायक है, बेसहारों का सहारा है पिता परमेश्वर। दया कर परमेश्वर पिता। हाँ खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया पिता परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया रब शंदर दनल रब रिखा नल रथी नल रदा दनल रब पिता परमेश्वर। ऐसे कई लोग हैं जो तुझे नहीं जानते हैं, तुझ पर विश्वास नहीं करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचन के अनुसार हर एक जीव अंगीकार करेगी, हर एक घुटना टिकेगा कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर है। हालेलुया पिता परमेश्वर। के ऐसे जवान है जो पिता परमेश्वर पाप की दुनिया में जा रहे, नशे की दुनिया में जा रहे प्रभु, अंधकार की शक्तियों से पिता परमेश्वर तू बचा ले, पाप की दुनिया को मिटा दे, अंधकार की शक्तियों को खत्म कर दे प्रभु। प्रभु वो तेरे मार्ग को जानने वाले बन जाए, यीशु मसीह को जानने वाले बन जाए, क्योंकि वही मार्ग और सत्य और जीवन है ये पिता परमेश्वर। ये विश्वास करने वाले बन जाए से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। दया कीजिए परमेश्वर पिता। हाँ खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं। उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान दे, बुद्धि दे, शक्ति दे, समझ दे पिता परमेश्वर। वो अपने मम्मी पापा का आदर करे, आपका आदर करे, आपकी महिमा करे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे बेटा बेटियों के लिए, तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। लगातार आपसे प्रार्थना करने वाले बन जाए, लगातार तेरे वचन को पढ़ने वाले बन जाए, लगातार आपके चरणों में रहने वाले बन जाए प्रभु। रहम कर प्रभु, ज्ञान और बुद्धि दे, समझ दे, ताकि पिता परमेश्वर लगातार हम आपसे बातचीत करने वाले बन जाए, लगातार पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा में भरकर आपके आराधना करने वाले बन जाए, पवित्रता में आगे बढ़ा प्रभु, आध्यात्मिक में आगे बढ़ा परमेश्वर। हम तेरे ही हाथों में सौंपना चाहते हैं। हाँ खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुन लिया। जितने भी तेरे दास और दासी तेरी सेवा करते हैं, जितने भी लोग तेरी सेवा करते हैं, उन्हें अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की तकलीफों से बचा के रख परमेश्वर। हाँ खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। एक बार फिर से हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पास लाता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। तू दया कर, रहम कर, अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर पिता परमेश्वर। जिनके पास कोई औलाद नहीं है उनको तू औलाद दे परमेश्वर। जिनके पास कोई बिजनेस और जॉब नहीं है उन्हें बिजनेस और जॉब दीजिए। जो पति पत्नी अलग है वो मिलने पाएंगे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो बीमारी से
परेशान है, तकलीफों में है, प्रभु उन्हें चंगाई दे, छुटकारा दे परमेश्वर। जितने भी जवान शादी के लिए हो चुके परमेश्वर, उनके लिए जीवन साथी का प्रबंध कीजिए प्रभु, रहम कीजिए। हाँ खुदा, तूने प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हमारे किसान भाइयों को अभिषेक से भर, अपनी सामर्थ से भर, उनके जीवन में से बेरोजगारी, उनके जीवन में से बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा खत्म हो जाए। हाँ खुदा, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को देते हैं, सब बातें आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित रब के नाम से मांगते हैं, आमेन। धर्मी सन ने बोला आमेन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। मेरे प्रियो, हमें बचाने के लिए यहोवा हमारे साथ है। बीमारी से बचाने के लिए, मुसीबतों से बचाने के लिए, अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए, इस कोरोना से बचाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। मेरे प्रियो, स्वार्थ कलिशिया आपके लिए हमेशा प्रार्थना करती है, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें, ताकि हम सब मिलकर एक साथ प्रभु की महिमा करते हुए नित्य आगे बढ़ते जाए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे, प्रभु में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, प्रभु से प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सभी को फिर से बहुत आयत से आशीष दे सबको। जय मसीह के, प्रेज द लॉर्ड।